डॉक्टर बीना कौशिक, SPC राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास जानने के प्रमुख साधन और पार्ट उसका 4th। तो प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं या इसके इतिहास को जानने के साधन हमारे पास, जो पिछले पार्ट में अपन ने करा था कि जिसके अंतर्गत हम देखें तो साहित्यिक और पुरातत्व संबंधी सामग्री हमारे पास मौजूद हैं जिनसे कि हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। आज अपन इसमें करेंगे कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं जो कि हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें उपलब्ध कराती हैं, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म ग्रंथों में अपन ने देखा था एक तो पिटक साहित्य, दूसरा उसके बाद जातक साहित्य और आज अब करेंगे अपन कि प्राचीन काल में पाली भाषा में लिखे गए प्रमुख ग्रंथों में हम देखें तो दीप वंश और महावंश है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन करने के लिए दोनों ग्रंथ बहुत अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। इनकी रचना पाली में की गई थी और इनसे बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ है इसमें मिलंद पनाहों, ये भी पाली भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक में यूनानी नरेश मिलंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बातचीत का विवरण है। इसमें तत्कालीन इस ग्रंथ से हमें तत्कालीन सामाजिक धार्मिक अवस्थाओं के अतिरिक्त आर्थिक अवस्था का भी पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। भारत के विदेशी व्यापार के बारे में भी इससे हमें जानकारी मिलती है। तो बौद्ध साहित्य में अनेक ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनसे कि प्राचीन कालीन ना केवल बौद्ध धर्म बल्कि हिंदू धर्म और प्राचीन राजाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है दिव्य अवदान, ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है और अशोक तथा उसके उत्तराधिकारियों के विषय में इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके बाद अगला ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूल कल्प, इसमें मौर्य काल के पूर्व से लेकर हर्ष के काल तक का राजनीतिक घटनाओं का संक्षिप्त में विवरण किया गया है। इसके बाद अगला ग्रंथ है ललित विस्तार, इसमें महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला गया है इस ग्रंथ के द्वारा। तो इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण है ग्रंथ है जो कि कनिष्क के समय में उसके राज्यकाल के समय में और अश्वघोष ने उस ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम है बुद्ध चरित्र। ये कनिष्क का समकालीन बौद्ध विद्वान था और इसने गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र और बौद्ध धर्म के बारे में वर्णन अपनी इस पुस्तक में दिया है। तो ये सभी रचनाओं से हमें बौद्ध रचनाओं से हमें उस समय के समाज, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, उन सब की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत पाली और फिर संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। इसके बाद हम देखें तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत तीसरा प्रमुख जो पॉइंट है वो है जैन साहित्य या जैन ग्रंथ। तो पहला पॉइंट अपन ने देखा था धार्मिक साहित्य में हिंदू धर्म ग्रंथ, दूसरा था बौद्ध धर्म ग्रंथ और तीसरा है जैन ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथों के समान हम देखें तो जैन ग्रंथ भी पूर्णतः धार्मिक होते हुए भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। आदि जैन ग्रंथों को आगम के नाम से पुकारा गया है, बाद में उनका संकलन अंग नामक 12 ग्रंथों में हुआ। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पर्व, कथा कोश व लोक विभाग प्रमुख हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत रचित सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हेमचंद द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्व। जैन साहित्य से तत्कालीन जैन धर्म, साहित्य, समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है भद्रबाहु द्वारा लिखी रचना भद्रबाहु चरित्र। इस रचना के द्वारा हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त महावीर स्वामी के समय के राजाओं व अन्य सम्राटों के संबंध में जानकारी मिलती है। मौर्य सम्राट संप्रीति के बारे में जानकारी मिलती
मिलती हैं, नंद वंश, चंद मौर्य, चाणक्य आदि के बारे में भी इससे जानकारी मिलती है। भद्रबाहु के प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपने अंतिम समय में इसको स्वीकार कर लिया था और अतः ये इस रचना के द्वारा ये एक समकालीन रचना है और जैन साहित्य के अंतर्गत लिखी गई है। इससे भी हमें प्राचीन कालीन राजाओं के बारे में, मौर्य काल के राजाओं के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में कि किस तरह से मौर्य राजाओं ने में कुछ राजाओं ने बौद्ध धर्म अपनाया, कुछ ने जैन धर्म को अपनाया, तो उस समय का जो वातावरण था वो धर्मनिरपेक्ष वातावरण था और सभी कोई भी धर्म को अपना सकते थे। ये धार्मिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी जैन साहित्य के अंतर्गत मिल जाती है। तो इस प्रकार से प्राचीन काल में हम देखें तो धार्मिक साहित्य भी हमारा बहुत अपार मात्रा में हमें प्राप्त होता है, जिससे कि उस समय के धर्म के बारे में, राजनीति और समाज आदि के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि कई साहित्य जो है वो समकालीन साहित्य है, उस समय लिखा गया साहित्य है, राजाओं का उन्हें संरक्षण प्राप्त था और उनके कईयों ने उनके आदेश से रचनाएँ लिखी हैं, तो इस प्रकार कई महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल जाती है। धन्यवाद।